উভতি আহিছো বাতৰি মাছলৈ। ফ্ৰান্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি দৰ্শকসকলক ফ্ৰান্সৰ পৰা দেখুৱাইছো দৃশ্য। साथियो, अच्छी दोस्ती का मतलब ये है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जब भारत या फ्रांस में कोई भी अच्छी उपलब्धि होती हो तो हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद जितनी फ्रांस में है उससे भी ज्यादा भारत में होगी। जब फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तो इसका जश्न भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाया गया था। साथियों, इसी तरह हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के दो विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के उस महान सपूत को और अन्य भारतीयों को जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गवाए, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। हम नमन करते हैं सेंट जर्वे के उन गाइड्स को जिन्होंने हादसे के बाद विमान के मलबे की खोज में दिन रात काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया। आज उन गाइड्स के परिवार जन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन गाइड्स का और उनके स्वजनों का भी भारत की तरफ से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सेंट जर्वे के मेयर का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मेमोरियल को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं फ्रांस की सरकार, राष्ट्रपति मैक्रो और फ्रांस की जनता का मुझे आमंत्रित करने के लिए, आप सभी से मिलने का अवसर देने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है। पूज्य बापू की निसरा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण
बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्रभक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहां से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। साथियों, जब मैं 4 साल पहले फ्रांस आया था तो हजारों की संख्या में भारतीयों से संवाद का अवसर मिला था। मुझे याद है तब मैंने आपसे एक वादा किया था, आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे याद है। और आमतौर पर राजनेताओं को वादा भुला देने में मजा आता है।